एशिया कप में टीम इंडिया के सामने करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। आज टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला नेपाल से होगा। अगर नेपाल आज का मुकाबला जीतने में कामयाब रहता है तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो वहीं हालांकि नेपाल जैसे कमजोर टीम से भारतीय टीम के हारने की उम्मीद बेहद कम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी चयन में उलझी हुई है, जहां राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में दावेदारों के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। पार्टी प्रत्याशियों के चयन में उलझ गई है। चुनाव समिति की बैठक फिर आज होगी, जहां प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा ने कहा कि बैठक में अच्छा फीडबैक मिला है, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां फतेहपुर कस्बे में बनी हामिश इमारत भरभराकर गिर गई, जहां हादसे के वक्त इस 3 मंजिला इमारत में करीब 19 लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसटीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। मेघनगर में बढ़ती केमिकल फैक्ट्रियों के कारण लोग जहरीली हवा में रहने को मजबूर है। केमिकल प्लांट मालिकों ने अवैधानिक तरीके से जहरीली गैसों वाले प्लांट लगा दिए हैं, जिससे आसपास के गांवों की कृषि भूमि बंजर बनती जा रही है। बारिश के दिनों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा नदी में जा मिलता है और वहीं पानी नगरवासी पीते हैं। नारायणपुर में शराब के अवैध परिवहन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम सुलोएंगा में शराब परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 140 लीटर देशी शराब और विस्की बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 73,000 रुपए बताई जा रही है। नोएडा में बीटा 2 पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी 18 चोरी की बाइक जब्त की है। गिरोह नोएडा समेत गाजियाबाद और बुलंदशहर में एक्टिव था। आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अमरोहा नगरपालिका ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। दरअसल भू माफियाओं ने बहुत समय से पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पर ईओ ने थाने में कार्रवाई के लिए तहरीर दी थी। बता दें कि कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला नगरपालिका क्षेत्र के रायपुर कला का बताया जा रहा है। गोवर्धन में युगल प्रेमी प्रेमिका की प्रिय परिजन ने पिटाई कर दी, जहां मामला गोवर्धन बस स्टैंड का बताया जा रहा है, जहां लड़की के परिजन ने दंपति को पीट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल दंपति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि लड़की ने घर के अंदर फांसी लगाई, वहीं प्रेमी खेत में लगे एक पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी गई। पूरा मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी लगते ही पुलिस अब जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। एडिशनल एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि आरोपी राजकुमार और श्रवण कुमार में पुरानी रंजिश थी। बांदा के अस्पताल में एक युवक ने खून की कमी से दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन की ओर से शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है और पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई, लेकिन लापरवाह पुलिस ने मामले को प्राथमिकता नहीं दी। 12 दिनों तक शव बिना फ्रीजर के मोर्चरी हाउस में रखा सड़ता रहा। जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के कैथी चौराहे पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे से लेकर पत्थर तक चले। घटना में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हरदोई में आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री के गृह जनपद में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया है, जिसमें अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 2.5 लाख लीटर लहन नष्ट करते हुए 215 मुकदमे दर्ज किए हैं। 25 भट्टी, 4,776 लीटर शराब और 218 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
हमीरपुर के सदर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर गुलाब सोनकर का युवक को थप्पड़ मारते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल अपने बुआ के घर से भागने का प्रयास कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला सदर कोतवाली इलाके के लक्ष्मीबाई तिराहे का है। हमीरपुर में पैसों के लेनदेन को लेकर युवक पर चाकू से वार किया गया, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में कानपुर रेफर किया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा, वहीं घायल युवक ने चाकू मारने वाले का नाम भी बताया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में नवजात की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने निजी अस्पताल डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ गुमराह करता रहा, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। गुना में अपहरण के मामले पर नया एंगल सामने आया। दिनदहाड़े नवविवाहिता का कार से अपहरण किया गया। नवविवाहिता अपनी मां के साथ बाजार गई हुई थी। मां ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल कर खुलासा किया गया। मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसके चलते युवती ने अपने प्रेमी से अपना अपहरण खुद करवाया। जबलपुर की ओमती पुलिस ने नेपियर टाउन क्षेत्र स्थित गुडविल अपार्टमेंट में चल रहे जुए के पट पर दबिश दी है और जुआ खेल रहे खिलाड़ियों को दबोचा। इसके साथ ही पुलिस ने हार जीत में लगी हुई 10,000 की राशि, मोबाइल फोन और ताश के पत्ते भी जब्त किए हैं। कानपुर में पुलिस ने चालान के नाम पर युवक की पिटाई कर दी। पूरा मामला थाना कलेक्टरगंज के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित युवक ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। सूचना पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और पुलिस थाने में हंगामा कर रहे हैं। मुरादाबाद में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। मंदिरों को सजाने का काम भी तेजी से हो रहा है। वहीं भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के कपड़े, गहने और झूलों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। नोएडा में पुलिस और नामी चोर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जौनपुर के रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया। मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जेआर रोग अस्पताल में सफाई कर्मी मनीष करोसिया पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बीती रात उसी जगह पर एक और युवक की बदमाशों ने चाकू से मारकर हत्या कर दी। जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने बैठक ली। मधुसूदन मिस्त्री ने संगठनात्मक तैयारियों का फीडबैक भी लिया। बैठक में कोऑर्डिनेटर्स को समन्वय की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में संसाधनों का अभाव देखने को मिल रहा है। यहां आए दिन लाइट गोल हो जाती है, जिसके चलते मरीजों का उपचार करने के लिए मोबाइल टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। लाइट बंद होने के बाद जहां एक तरफ मोबाइल टॉर्च की रोशनी से मरीजों का उपचार किया गया, तो वहीं दूसरी ओर करीब आधे घंटे तक मरीज और उसके परिजन लिफ्ट में ही फंसे रहे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के साथ महारुद्र अनुष्ठान प्रारंभ होने के पहले नंदी हॉल में पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में भगवान श्री महाकालेश्वर का पंचामृत पूजन और अभिषेक भी किया।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा जनता का आशीर्वाद लेकर ही चुनाव में जीतती है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु सीएम के बेटे के बयान पर कहा कि घमंडिया गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। बांदा में सुहेलदेव समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जनपद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बुंदेलखंड प्रभारी ने कहा कि प्रदेश के 80 सीटों पर हम लोग जीत दर्ज कराते हुए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। जबलपुर के झांसी थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर 14 से अधिक मामले दर्ज है, जिसे पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीलेश कुमार दोहरे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देशित पर अवैध हथियार के साथ रील बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में श्रद्धालु लड़कियों का नहाते समय वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं शौचालय में नहा रही थी, तभी बाथरूम के रोशनदान से किसी का मोबाइल दिखाई दिया, जिसको देखते ही बाथरूम में मौजूद युवती घबरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया में महिला की गला घोटकर हत्या करने के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां चेकिंग करने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपी पर गोली चलाई, जिससे आरोपी घायल हो गया। मामला अजीतमल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठाई है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि सरकार को फौरन ही सर्वे कराकर किसानों को राहत देना चाहिए। बारिश कम होने की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए फौरन कार्रवाई करे। चंदला में अन्नदाताओं की हालत बद से बदतर हो गई है। मामला चंदला विधानसभा के गौरीहार अनुविभाग का है, जहां शासन की योजनाओं को अधिकारियों और पंचायतों से जमकर पलीता लगाया जा रहा है। अनुविभाग में बनी 17 गौशालाएं सिर्फ कागजों में बनी हुई है। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जबलपुर पुलिस को ऑपरेशन शिकंजा के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिला रहे दो आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो फरार हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने आरोपियों के अड्डे पर दबिश दी थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया कोटा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीति में चेहरों की कोई निश्चित धारणा नहीं होती है, समय के हिसाब से उस पर फैसले होते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करे और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाए। मंडला की बिछिया विधानसभा में बीजेपी ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मरावी को नियुक्त किया है, जिससे कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता में सकारात्मक उत्साह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर विजय आनंद मरावी लगातार भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। डॉक्टर विजय आनंद मरावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनोरा और उसके साथ ही कई सारे क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना वर्चस्व दिखाने में जुट गई है। इसी क्रम में मंडला से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दम दिखाया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने बताया कि उनकी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। मुरादाबाद में घर की दीवार गिरने से पड़ोसियों में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों मारपीट करने लगे। सूचना पर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित ने बताया कि पड़ोसी ने मकान के बराबर से गहरा गड्ढा खोद दिया था, जिसको लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मुरादाबाद में रेलवे अंडरपास में भरे पानी में एक बालक डूब गया। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने मासूम को बचा लिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों ने अंडरपास में भरे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव विलावाला का है, जहां ग्रामीणों ने वे जिम्मेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है।
नैनपुर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। जिला नहीं बनाने से नाराज लोगों ने नगर बंद का आह्वान किया है। इस मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, गुंडवाना पार्टी, व्यापारियों और सभी सामाजिक संगठनों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। वहीं नैनपुर वासियों ने कहा कि नैनपुर जिला नहीं तो वोट नहीं। दिल्ली के शाहजहांपुर विनोबा सेवाश्रम के संस्थापक रमेश भैया को आचार्य विनोबा भावे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें कैपिटल फाउंडेशन संस्था ने दिया। रमेश भैया को इससे पहले जमुना लाल बजाज सम्मान, यश भारती सम्मान सहित अन्य सम्मान से नवाजा जा चुका है। रमेश भैया ने विनोबा सेवा आश्रम संस्था के बरघाट में जलाशय बनने के बावजूद किसान फसल बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरा मामला मंडी जलाशय का है। इस डैम से लिफ्ट एरिगेशन नहर भी बनाई गई है, पर विभाग में हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते किसान के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सुकमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप, बैदूराम कश्यप और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। सम्मेलन में बीजेपी की जीत की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। वहीं जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को गूंगी और बहरी बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी इस बार जीत की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल के वार्ड में मरीज की परिजन ने अस्पताल के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। मरीज को दिए गए खाने में कीड़ा निकला है। वहीं खाने में कीड़े होने की शिकायत परिजन ने सीएमएस से की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएस ने संबंधित ठेकेदार को चेतावनी दी है। बलिया में गढ़वार थाना के सामने से महावीर झंडा जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। एसएचओ राजकुमार सिंह ने जुलूस निकाल रहे लोगों से कहा कि आप लोग ये डीजे बंद कराइए, क्योंकि जिस कार्यक्रम की हमें जानकारी थी उस कार्यक्रम की आड़ में दूसरे भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अमीषा पटेल गदर 2 की सक्सेस के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। जहां एक तरफ फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है, वहीं अमीषा आए दिन मीडिया इंटरव्यूज कोई ना कोई दावा या खुलासा कर रही है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने फिर से फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा पर आरोप लगाया और कहा कि गदर 1 के वक्त भी उनका और अनिल का रिश्ता अच्छा था। बॉलीवुड सिंगर मास्टर सलीम विवादों से घिर गए हैं। उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सदस्यों ने हिमाचल में ऊना जिला का थाना भरवाई में शिकायत दर्ज कराई है। सलीम ने एक कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की थी, जिस पर चिंतापूर्णी मंदिर के पुजारी भड़क गए हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि ये पहली बार है कि जब सनी देओल किसी फिल्म का इतना ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। अनिल के मुताबिक गदर 2 के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद भी सनी देओल अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह पर कोई दूसरा रहता तो अब तक इसका काफी फायदा उठा चुका होता। एक्टर विजय वर्मा इन दिनों साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से डेट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कपल रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं अब हाल ही में एक्टर ने बताया कि उन्होंने दूसरे एक्टर्स की तरह अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट क्यों रखा है। एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में अपने मां डिंपल कपाड़िया और पिता राजेश खन्ना के बीच रिश्तों को लेकर बात की। ट्विंकल ने बताया कि उनका पालन पोषण उनकी मां ने ही किया है। डिंपल ही हमेशा उनकी सिंगल पेरेंट रही है। ट्विंकल मानती है कि इसका उनका बहुत फायदा हुआ है।